70वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ़ श्री जगनिवास ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता सेनानी गण युद्ध वीरांगनाओं को किया सम्मानित। विद्यार्थियों ने भी रंगारंग देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मियों व गणमान्य व्यक्तियों का किया सम्मान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 26 जनवरी को उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शनिवार को बहादुरगढ़ शहर के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में गरिमामय ढंग से मनाया गया। समारोह में एसडीएम बहादुरगढ़ जगन्निवास बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए और राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हुए परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। एसडीएम श्री जगनिवास ने समारोह में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानीगण युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा ली। इससे पूर्व शहर के शहीद स्मारक पर पहुंचकर मुख्य अतिथि एसडीएम ने वीर शहीदों की शहादत को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नमन किया। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह पर दिए अपने संदेश में एसडीएम जगनिवास ने भारत के स्वाभिमान और स्वाधीनता के प्रति गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की आजादी एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान से भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व राष्ट्रपति पति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक राष्ट्र ने देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशहित में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक सोच से भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डेवलपमेंट गेटवे के रूप में आज बहादुरगढ़ उपमंडल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं बहादुरगढ़ एसडीएम श्री जगनिवास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के सामान्य जनमानस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी 150 सर्वहितकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। कुपोषण मुक्त तंदुरुस्त काया संस्कार युक्त बनाने के लिए एक विशेष कार्य योजना पर काम कर रही है। इसके तहत वर्ष 2025 तक बच्चों को पूर्णतः कुपोषण मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार अभिकृत स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ पारदर्शी व त्वरित लाभ पहुँचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अंत्योदय सरल परियोजना को लागू किया है। बहादुरगढ़ के उपमंडलीय सचिवालय परिसर में अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी व त्वरित तरीके से 485 सेकंड अधिक सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लोगों को दिए संदेश में प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो सेवा के जरिए सीधी कनेक्टिविटी के साथ साथ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के चालू होने से बहादुरगढ़ उपमंडल में विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास की बात करें तो अनेक नई पहल से झज्जर जिला को राज्य में ही राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। समारोह में एसडीएम जगनिवास ने डीएसपी भगतराम के साथ परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर तहसीलदार नरेंद्र दलाल, डीडीपीओ रामफल सिंह, नायब तहसीलदार श्री भगवान, एआईपीआरओ दिनेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग से पीएमओ डॉ जितेंद्र काव्यान, कानूनगो पूनम चंद गौड, रावनावी के प्राचार्य रमेश सिंगमार, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या तारावंती, प्राचार्या डॉक्टर आशा शर्मा, एसडीएम कार्यालय उपाधीक्षक विनोद कुमार, मनोनीत पार्षद पालेराम शर्मा, धर्मवीर वर्मा व जगदीश नंबरदार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
सर आज जो कार्यक्रम हुआ इस विषय में कुछ बताएं। और आप शुभ दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारतवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को ये आज जो सफल कार्यक्रम रहा ये सभी को श्रेय जाता है। इसमें तहसीलदार हमारे बहादुर गए नरेंद्र दास जी, वो इसके इंचार्ज थे और रेडियो साहब इंचार्ज थे, सबकी देख रेख में बहुत अच्छा रहा। और हमारे DSP भगत राम जी हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ये सद्भावपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से निकल सकते हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा, वैश बीएड कॉलेज प्रिंसिपल। आज मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और साथ साथ ये बताना चाहती हूं कि जो हमारा संविधान बना है उसकी हम पूरी की पूरी इज्जत करें और उसमें भाईचारे बनाए रखें। विजयलक्ष्मी जी, GPS 82। जैसा कि आज 26 दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया है हमारे देश में, मैं सबसे पहले देशवासियों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि संविधान जो हमारा बनाया गया है उसकी इज्जत करते हुए हमें उसके बनाए हुए नियमों पर चलना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत।